तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमित वाईटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, यदि आप अमेजोन से कुछ भी परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं या कुछ भी अपने सामान पर घर पर ऑर्डर करते हैं, सामान आ जाता है अमेजोन से, बाय द वे वो आपको ऑर्डर पसंद नहीं आता, आइटम पसंद नहीं आता, अब आपको वापस करना है, बट आपको गाइज वहाँ पर रिटर्न करने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अमेजोन से खरीदा हुआ सामान हम लोग रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज यार लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइज चलिए बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर कॉर्नर साइड में थ्री लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड गाइज जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एक ऑपर तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर्स का, तो ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस जैसे ही ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जो आपको प्रोडक्ट आपका डिलीवर्ड हुआ होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड गाइस जैसे आप लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आपको नीचे आना है, जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिटर्न्स आइटम का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर रिटर्निंग के लिए आप दे सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पर लिख रहा है वाई आर यू रिटर्निंग, ठीक है, आप लोग क्यों रिटर्न करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आइटम डिफेक्टिव नेटवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बैड क्वालिटी, ठीक है, बैड क्वालिटी डिफेक्टिव आइटम, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम डाल देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम या डिफेक्टिव प्रोडक्ट वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब गाइस जैसे इतना क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिफंड टू अमेजोन पे बैलेंस या रिफंड टू योर बैंक अकाउंट, आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में जाए या अमेजोन के पे बैलेंस में। तो यदि आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर चूज बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाइएगा। एंड गाइज यहाँ पर अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट ऐड है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ पर आपको नया बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है वो भी बता देते हैं। तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड गाइज जैसे बैंक ऐप से कोड डालेंगे तो आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड गाइज जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा खाता आ गया है, ठीक है, मतलब कहाँ का आपका खाता है, तो आपको नीचे आप लोग को अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो चलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। एंड फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग अपना अकाउंट नंबर डालोगे तो यहाँ पर अकाउंट टाइप का ऑप्शन देगा, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, यदि करंट अकाउंट है करंट अकाउंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर ऐड बैंक अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस जैसे मैं इतना करता हूँ तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ गया रिफंड टू योर बैंक अकाउंट, मैं इस पर क्लिक करूंगा। एंड गाइस यहाँ पर मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर चूज अ बैंक अकाउंट, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है, तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पर आई एग्री रिटर्न ऑल आइटम, इसके ऊपर क्लिक करके एंड गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ देख सकते हैं अपना यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कन्फर्म टू योर रिटर्न वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका रिफंड जो होगा ये आपके खाते में जाएगा। तो यहाँ पर कन्फर्म योर रिटर्न वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस थोड़ा सा वेट लगेगा। एंड गाइस जो ये ऑप्शन होगा यहाँ पर भी यहाँ पर खुल जाएगा आप लोग के सामने, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर योर पिकअप इज शेड्यूल हैंड ओवर योर आइटम इस सेलर पिकअप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग अपने इस आइटम को वापस कर पाएंगे। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में फ्रेंड्स।